और मैं हूँ प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं नौरंग मीडिया। अभी हम आ गई बनी गभिड़ार पंचायत के कौसण बिजली पट्टी में और हमारे साथ यहाँ जुड़ गई बनी गभिड़ार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी इमाम हुसैन जी। सबसे पहले राउत बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल में। सबसे पहले आपको चैनल को नौरंग मीडिया मेरे तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद जी। बाकी इस पंचायत के लोग जितने भी आदमी हैं वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम नमस्कार। अच्छा प्रत्याशी जी, जैसे कि रुआ बारे में हमने जानकारी मिला है कि रुआ बैंक कर्मी हैं, फिर अचानक राजनीति में कैसे आ गईनी और मुखिया के चुनाव लड़ गईनी? देखिए सबसे पहला चीज कि बैंक जोन बा में हम सरकारी कर्मचारी नहीं थे। BRMC कंपनी लोन रिकवरी के तहत हम अपन पंचायत घूमत रहनी, अचानक बाढ़ आ गई हो तो बाढ़ आ गई हो तो अभी में हम सब छठ घाट के गईनी सर्वे कैनी मुआयना कैनी, लोग से पूछनी कि भाई छठ कैसे हो पूरा पानी भरल बा। तो लोग कहल कि पानी हट दे, पानी हटल तो पूरा कीचड़ रह। तो घाट जोन बा रतन बाबा के स्थान पर, रतन बाबा के ठीक पश्चिम साइड घाट बा, फिर हमरा यहाँ कुड़िया जोन कहाला ओजा घाट बा, ये सब तीनों चारों घाट पर 40-50 टाली माटी जोन लागल तो हम अपना से गिरवा देने, रास्ता ठीक करा देने कि केहू के दिक्कत ना हो। फिर अब लोग पूछनी हाँ कि बिन टुलवा में जोन शॉर्ट सर्किट से जोन महिला मर रही है, तो हम पहले ही बोल देने कि हम अपना मुँह से अपन तारीफ कितना कर। बिनटोलवा के भी एक आदमी प्रत्याशी बाड़न, प्रशासन के गाड़ी आयल उ अगिला ओजा से भाग गए, हम ओजा बैठल रहनी, केहू महिला के घरे केहू रहे ना, केहू तैयार ना होत रहे पुलिस के सामने जाए में बात करे में। आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हल, अब हिस्सा लेला के बाद भइल कि जाके अपना से गाड़ी चला के लिए डाला बॉडी वाला लाश के लदवाने, लाद के सिवान लेके पोस्टमार्टम खातिर गए, पोस्टमार्टम करनी, फिर रात के 8 बजे वहाँ से लौट के अनी, फिर भी पोस्टमार्टम करा के अला के बाद जाके हुना रहे तो गोपाल राम जी बने, एक सरोज राम बड़न हमारे जना भाई साहब बड़न, और कुछ लोग दो चार गो लोग जैसे वहाँ के मुन्ना बीन एक प्रत्याशी ही बाड़न, उनकर भाई दो तीन जना रहे लोग, और सबसे अहम भूमिका में वो लोग बिनटोलवा में एक्टिव है, वो लोग के सहयोग से सारा काम भइल, दाह संस्कार भइल, फिर हम 9-10 बजे घर गए। बाकी वो जो सारा जनता देखत रहे एकर का रोल रहे, चाचा भी रहनी ओजा मौका पर उपस्थित, हमारे यहाँ के जिला पार्षद राजबली जी रहने वहाँ के आगे वही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो हमारा तरफ से हमारा अंदर से ये रहला कि जे जोन करता तो ओकरा के कहे के चाहे, अगर वो जो राजबली जी कहले बानी साथ दिले बानी, ओजा नाम अपन दर्ज करेले बानी पुलिस के सामने, तो हमारा उनका कहे में कोनो तकलीफ नहीं, सच्चाई लोग के जाने के चाहे, अब हवा के थी में ना रहे के चाहे। मुखिया जी राउर एगो बात हमारा बहुत अच्छा लागल है जो रुकनी है कि हमारा खातिर जात पात धर्म कोनो माने नहीं रखत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ना, 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 बचपन से कहते कि कुछ लोग र्यूमर फैला के एक लाभ उठावल चाहता, लेकिन रुआ ये तरह के सोच पर काम करतनी बहुत काबिले तारीफ बा। रुआ घरे भी छोट होता, एक मतलब कि रुआ लोग धार्मिक भाईचारा के बनावल चाहता नहीं और उपे काम करल चाहता नहीं, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। लास्ट एगो रुआ से सवाल रहे कि रुआ अपना एक गभिड़ार पंचायत कौसण पंचायत के लोग से का अपील करें? अपील करें जैसे कि एक नारा बा सबका साथ सबका विकास जी, लेकिन हमार नारा बा सबका साथ सबका हाथ सबका विकास। क्या बात है, हमारा ये जो हाथ से जब तक पूरा पंचायत के लोग के हाथ ना लगी हमारा संग है तब तक कुछ विकास संभव नहीं है। गांव के लोग से अपील ये बा कि शिक्षित सुयोग्य जीते के तब बटले बा, और
जीत गेले के बाद तो बहुत सारा लोग कहला कि हम भाई करेम हो कर देम होइ छे, लेकिन आपन कुछ लक्ष्य होके के चाहिए, आपन कुछ उद्देश्य होके के चाहिए। सारा लोग के बैनर पोस्टर पर शिक्षित सुयोग्य कर्मठ ई बैनर पर सब करा लिखल हो, लेकिन जितना भी लोग प्रत्याशी बा तो प्रत्याशी लोग के आपन कोनो मुद्दा नहीं है, एक सिंगल पर्सन इमाम के छोड़ के ये हमार लक्ष्य बा जो उद्देश्य बा तो हम अपन घोषणा पत्र में जारी कर दिले बने। ए पर विशेष फोकस रही हमार ये चीज अभी केहू प्रत्याशी के लगे नहीं है, लिख के केहू दे देव कि हम चुनाव में आयल बने हमार है उद्देश्य बा। तो हमरा अपना पंचायत के लोग के सहयोग से आवे वाला 5 साल में हमारा राष्ट्रपति पुरस्कार से पंचायत के पुरस्कृत करावे के ये हमार लक्ष्य बा। जब तक हम लक्ष्य के तैयार ना करें, लक्ष्य अपन बनाएं ना, तब तक हमारा सफलता मिली जी। मुखिया जी तो और अच्छा बोलें एक चीज बा लक्ष्य के ऊपर कि खुद को करो इतना मजबूत, खुद को करो इतना मजबूत कि रब भी पूछे के बंदे बता तेरी रजा क्या। तो हमार लक्ष्य जौन बा राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत करावे के लक्ष्य बा, वही मिशन पर हम आगे चल के काम करें, यही उद्देश्य बा। कुछ हमारा चैनल के माध्यम से सामाजिक कार्य मेरे वह बहुत रुचि लेनी, तो कुछ अपन सामाजिक कार्य के बारे में बताए। सामाजिक कार्य तब अपना से हमका बताए, जनप्रतिनिधि तो पहले से हम बानी ना लेकिन कोनो हम पद पर बानी ना कि अपन हम काम घिनाई जगह 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 ई काम जोन बात रुआ मीडिया से बानी ई गांव जवार के लोग बता दी कि हमार सामाजिक सहयोग का बा, समाज में रोल का बा, लोग हमरा के काहे चाहता, ई रुआ अपना मीडिया के माध्यम से गांव के लोग से पूछ। अभी हम कुछ लोग के रिव्यू ले ले रहे हैं तो हमारा पता चला है कि रुआ छठ जोन हिंदू लोग के पर्व होला ओमे भी नारियल बटवा देनी, ऊख बटवा देनी, अभी केहू शायद शॉर्ट सर्किट से जल भी रहला तो ओकरा के रुआ सिवान ले जाके पोस्टमार्टम वगैरह करवैनी है। तो ये हमने के बहुत अच्छा लागल है, एकरा रुआ मुख से हमने के सुनल चाहता नहीं जाए, ये पूरा कौशल के जनता गभिड़ार के जनता सुनल चाहती है। देखिए जहाँ तक सबसे पहला चीज की हिंदू और मुस्लिम जी जी ई तो हमरा से कभी भेदभाव भइल नहीं जी जी, और रह गइल हिंदू के पर्व छठ जी जी, तो छठ से हमार बचपन में ही आस्था जुड़ गइल बा जी जी, और अभी इस साल भी वर्तमान में जी जी जौन छठ बीतल है जी जी, इमें हमार बड़ भाऊ जाई छठ व्रत कइले रहले छठ भइल है अभी जी जी। तो ई बचपन में अभी जब 12-13 साल के होखेम तो हम जौन हमरा के यहाँ घाट बा घाट के सारा व्यवस्था 5 रुपया 10 रुपया 51 रुपया चंदा वसूल करके पूरा मोहल्ला से अपना घाट पर के व्यवस्था करी 5-6 साल के लिए। ओकरा बाद अपन कुछ जॉब हो गए, जॉब में आदमी इंगेज हो गए, ओकरा बाद दूसर के हुआ अपन जे भी हमारा मोहल्ला के रहे में ना वेला जौन जॉब हम करें लोन रिकवरी वाला उससे समाज में रहल बानी, समाज के सेवा कैले बानी, ओकरा चलते समाज से लोग आवाज देहल बुलावल कि तारा पंचायत चुनाव में आवे के चाही, तो जनता के बुलैला पर हम पंचायत चुनाव में आयल बानी मुखिया के चुनाव लड़ता। अच्छा रुआ चुनाव लड़े के उद्देश्य का बा? चुनाव लड़े के मुख्य उद्देश्य बा विकास।